एक तो जो ये बार बार लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो दो बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, दो होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं, जो जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत, ये अंतिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुँच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आप अचानक आप सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है रात को, क्या कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातः काल से ही सोच रहा था, चूंकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूंकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, चूँकि इस संकट की घड़ी में, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति यहां पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है, और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूंकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास जो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे और जो तेज़ गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। सर, ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है और जो दरारें हैं वो पिछले दो चार दिनों में बड़ी भी नहीं है, ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीज़ें यहीं पर। जी, निश्चित रूप से। देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है, और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करें। नहीं, लोगों में गुस्सा होगा लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं, और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है, हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं, उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, अपडेट लिए उन्होंने क्या? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय लगातार इस बात की चिंता कर रहा है और लगातार अपडेट ले रहे हैं। आज रात्रि विश्राम यही होगा? हाँ, आज रात्रि विश्राम।